कभी कभी एक्चुअल आई लाइन देखनी होती थी जब ये खड़े हुए हैं, यू नो ये हम लोग ऐसे ऐसे शूट करते थे. नहीं नहीं सर, तो आप सर जब आप खड़े होते हैं और मेरी आई लाइन क्या होती है, और सर नहीं नहीं मैं मारूंगा मर जाएगा. हाँ तो ये कैसा लगता है? और मेरी आई लाइन क्या थी? कमी नेपन की हाइट तो जानता नहीं है. जिस तरह का किरदार आप निभा रहे हैं वो वाकई बहुत चैलेंजिंग रहा होगा. ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव है, हालांकि 90 के दशक की याद दिलाता है. और कहीं जहन में कमल हसन साहब भी आते हैं जब आप घुटनों के बल चल के आए. इट रिमाइंड मी ऑफ कमल हसन साहब, ही हैव डन अप्पू राजा. क्या कुछ इंस्पायर भी हुए हैं आप, या आपने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं? स्पेशली मैं कमल हसन साहब की बात करूंगा. जिस तरह उस वक्त में, जिस वक्त टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, उस वक्त वो किरदार निभाया गया था. और मिलन ने भी कहा कि आप कहीं बोलते थे कि यार ये क्या करवा रहा है भाई, लेकिन यू बिलीव, ही बिलीव इन द करेक्टर. तो क्या क्या रेफरेंसेस लिए हैं आपने, और इट इज़ योर होमवर्क, यू नो? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि कमल हसन साहब इज़ बियॉन्ड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी हो या ना हो, हिज परफॉर्मेंस, हिज ग्रेटनेस इज बियॉन्ड ऑल दैट. और इट्स जब हम ये कर रहे थे, ऑफकोर्स यू नो इतने सारे एक्टर्स हैं जिनको देखकर लगता है कि इन्होंने कैसा किया होगा. पर फॉर्चुनेटली यू नो मुझ में जो खामियां हैं एज एन एक्टर, वहाँ टेक्नोलॉजी आकर हेल्प कर देती है. एंड आई एम ग्लैड जिस तरह मिलाप ने इसको यू नो लिखा गया है, डायरेक्ट किया है. और इसके जो VFX है, वाकई फ्यूचर स्टूडियोज़ हो या इसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया है, आई थिंक दे हैव रियली टेकन ग्रेट केयर एंड मेड इट एक्सट्रीमली ईजी फॉर मी एज एन एक्टर. मुझे सिर्फ एक शॉट 5 बार करना पड़ता था, उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई. और हमें शॉट बिना इनके करना पड़ता था. इमेजिन करते करते कि यहाँ पे इस आई लाइन में है, और जब कभी कभी एक्चुअल आई लाइन देखनी होती थी जब ये खड़े हुए हैं, यू नो ये हम लोग ऐसे ऐसे शूट करते थे. नहीं नहीं सर, तो आप सर जब आप खड़े होते हैं और मेरी आई लाइन क्या होती है, और सर नहीं नहीं मैं मारूंगा मर जाएगा. हाँ तो ये कैसा लगता है? और मेरी आई लाइन क्या थी? कमी नेपन की हाइट तो जानता नहीं है. हेलो, तो ऐसे तो हमने परफॉर्म किए पिक्चर में. देखो इतनी भारी भरकम लाइनें कहां कहां देख के बोल रहा था मैं. सडन कोई शूटिंग देखने आया था, वो डर गए थे कि ये कैसी पिक्चर है. आई एम रिमाइंडेड ऑफ मिलाप्स अर्लियर फिल्म. प्लीज स्टॉप इट बोथ ऑफ यू ऑल.